आप टेक्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कैसा भी जीपीएस है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके उसको चालू करा सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल भी कर सकते हैं। कैसा भी जीपीएस हो आप उसको ऑनलाइन मैप के ऊपर चलता हुआ देख सकते हैं। फिर हेलो दोस्तों, आज हम जीपीएस लगाने वाले हैं डोम लाइट में सियाज की। ये जीपीएस है और इसके लिए सबसे पहले हमने डोम लाइट खोली है, जिसको खोलने के लिए हमें आपको इसका एक नट खुलेगा ये वाला, और बाकी सारे लॉक हैं, ये इजीली बाहर आ जाएगा इस साइड से, तो आप इसको खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने लाइट को अलग कर लिया, इसको निकाल लिया। इसके अंदर हमारे कनेक्शन है और इसको चेक करने के लिए हम एक मीटर ले लेते हैं। ये मीटर ले लिया हमने, इसको 20 पे कर लिया ब्लू में। पहले हम चेक करेंगे, ब्लैक में हमारा बॉडी अर्थ है, ये देख लीजिए, और ब्लू में डायरेक्ट है, और रेड वाइट में भी आपकी डायरेक्ट है, दोनों डायरेक्ट है, हम किसी भी लगा सकते हैं। और इसमें दो में डायरेक्ट इसलिए आ रही है क्योंकि इसके अंदर जो आपकी दो लाइट है, दोनों को अलग अलग करंट पास हुआ है, इसलिए दो डायरेक्ट है इसके अंदर। हम ब्लू या रेड किसी में भी लगा सकते हैं। अब हम लगाएंगे इसमें ब्लू में, ब्लू को स्प्लाइस कर लेंगे और ब्लैक को स्प्लाइस कर लेंगे, और कनेक्शन आपको बताते हैं आगे कैसे होंगे। और ये आपका देख लीजिए जीपीएस है, ये इसकी वायरिंग है, इसको कनेक्ट कर लेंगे और इसमें एक सिम डलेगी। अब ये जीपीएस लगाएंगे, जीपीएस में देख लीजिए ये वायरिंग है, ये इसकी वायरिंग है, और आपका ये इसका ढक्कन है। जीपीएस को अंदर से ऑन कर लेंगे, सिम डाल लेंगे, इसमें इंटरनेट होना चाहिए आपका, और एसएमएस का बैलेंस, ये देख लीजिए इसमें है दिस साइड अप टुवर्ड्स स्काई, मतलब इसको ऐसे लगाना है हमको जीपीएस, इससे अच्छी लोकेशन लेता है ये। और आपका एक और कहता हूँ, लोकेशन ये लेता है, इसको बोलते हैं पैच एंटीना, ये आसमान की तरफ इस तरीके से रहना चाहिए, तो हम इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे। अब ये हमारी वायर है जीपीएस की, इसको हम कट कर लेंगे। हम डोम लाइट में लगाते हैं तो हमें कोई बहुत ज़्यादा लंबी वायर की जरूरत पड़ती नहीं है, तो हम बाकी की वायर काट देंगे। इसमें येल्लो वायर जो है आपका रिले के लिए होती है, इंजन ऑन ऑफ के लिए, तो इसमें ये हमारे लिए यूजलेस है, इसको कट कर देंगे। हमें मेन इसमें रेड और वाइट की जरूरत है, और ऑरेंज जो है आपका एसीसी का है, तो इसमें एसीसी आता नहीं है, एसीसी मतलब गाड़ी चालू होने पर करंट, तो इसमें हमेशा करंट आता रहता है, तो यहाँ पर एसीसी का कनेक्शन हम कर नहीं पाते, ये हमारी मजबूरी है। इसको हम एक साथ लपेट देंगे इस तरीके से, बॉक्स के अंदर आते हैं, तो आपको अगर बॉक्स में प्रोडक्ट मिलता है तो समझ लीजिए ओरिजिनल। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मैंने सबसे पहले क्या है, ये रेड वायर को इसमें लगा के टेप कर लिया, क्योंकि क्या होता है कि हम इकट्ठा अगर काम करते हैं ब्लैक में भी और रेड में भी, तो अगर आपस में टच हो गए किसी तरीके से गलती से तो फ्यूज उड़ जाता है, फिर आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे, तो अब हमारे पास फ्यूज उड़ने का कोई चांस नहीं है। यहाँ से हमने इसको टेप कर दिया, यहाँ से भी टेप कर दिया, मतलब आपसे अब ये कनेक्ट हो नहीं सकते आपस में किसी भी तरीके से। अब हम ब्लैक वाले को भी स्प्लाइस कर लेंगे, थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि तार कट जाती है कभी कभी, स्प्लाइस करना नहीं आता लोगों को, तार काट लेते हैं। ये देख लीजिए जीपीएस लग चुका है, और ये देख लीजिए, मैं इसीलिए कहता हूँ कि डोम लाइट में ज़्यादा बेटर होता है जीपीएस, देख लीजिए कुछ नहीं दिखेगा। इसको हम इस साइड लग अंदर फंसा के इसको वायरिंग अंदर कर देंगे, बस हो गया। अब इसमें हम एक लगा लेंगे डबल टेप, दिस साइड अप मतलब ऐसे रखना है, तो इस साइड टेप लगेगा हमारा डबल टेप, ये हमने इसमें डबल टेप लगा दिए। और आप अगर आप हमसे खरीदेंगे तो आप हमें कॉल करके एक बार जरूर बोल दीजिए डबल टेप भेजने, क्योंकि ये नॉर्मली यूज़ होती नहीं है, डोम में यूज़ होती है, इसलिए हम इसको भेजते नहीं है साथ में, तो आप एक बार कॉल जरूर कर लीजिए खरीदने से पहले। वैसे इन दोनों का कोई काम नहीं है, उनको काट ही देते हैं। अब हम इस पर भी टेप कर देंगे, वो जो दो हमने काटे हैं वो ऐसे ऐसे माइक के होते हैं, वो वैसे ज़्यादा यूज़फुल मतलब ज़ीरो यूज़फुल है एक तरह से मेरे हिसाब से, कोई फायदा नहीं है, दोनों को लगाने से पता चल जाता है कि जीपीएस लगा हुआ है गाड़ी में, तो चोरी का पर्पस आपका फेल। ये देख लीजिए अब कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ डोम में लगाना चाहिए। अब हम इसको वापस पैक कर देंगे। इसके बाद आप हमारी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं 99 जीपीएस लॉगिन, ये ऊपर लिखा हुआ 99 जीपीएस लॉगिन, और उस पर आपकी फिर इस तरीके से गाड़ी आ जाएगी। आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड फिल करके इसको लॉगिन कर लीजिए, और आप इस तरीके से गाड़ी चलती हुई देख सकते हैं। यहाँ से आपको एड्रेस मिल जाएगा, ये गुजरात, और इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ से लाइव चलती हुई देख सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं, किलोमीटर समरी देख सकते हैं, लॉक अनलॉक का अगर जीपीएस लगाते हैं तो उससे यहाँ से लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं।
ये देख लीजिए, यहाँ से लाइव देख सकते हैं, ये आपका लाइव लोकेशन है। चल रहा होगा तो ऊपर किलोमीटर वगैरह सब शो करेगा आपको, कोई तो हर तरीके से सब सारे फंक्शन है इसके अंदर, कोई दिक्कत। थैंक यू दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और किसी तरीके का भी GPS है आपका ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, कैसा भी GPS है तो आप उसको रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। और नीचे दिए हुए लिंकों में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से जाके आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं।